अच्छा, तो 2022 का हम देख रहे हैं सीबीटी का पेपर, ठीक है, और देखते हैं कि कितना कवर्ड पोर्शन में से कितना सीबीएसई में नहीं था। जैसे सॉलिड स्टेट इस साल सीबीएसई में नहीं था और पिछले साल भी नहीं था, बट सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है, तो अगेन डिलीटेड टॉपिक्स विल बी देयर। 50 क्वेश्चन में से तुम लगा लो 10 क्वेश्चन तो होंगे जो डिलीटेड पार्ट में से होंगे ही होंगे। अभी क्वेश्चन कितना इजी है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, तो मैं इसको अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो कोई इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक सूट केस पैक करते हो, क्या पैक करते हो? सूट केस। अब मैं बोलूँ इस दो बच्चे एक सेम सूट केस को पैक कर, ठीक है, तो तुम बताओ कि कौन कितना अच्छा पैक कर रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, तो तुम कैसे नापोगे इस चीज को? किसने कितने टी शर्ट्स और कितनी जीन्स डाली डिवाइडेड बाय उसकी वॉल्यूम कितनी थी, उसकी वॉल्यूम कितनी थी, यही होगी ना पैकिंग एफिशिएंसी। और किसी ने 5 टी शर्ट्स पैक कर ली, ठीक है, एक एक लीटर में, किसी ने 10 टी शर्ट्स पैक कर ली 1 लीटर में, तो पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? दस दस टी शर्ट्स पर वॉल्यूम। सिमिलरली कितने स्फेयर्स ऊपर आ जाते हैं अपॉन कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, उसके बेसिस पर हमने पैकिंग एफिशिएंसी डिनोट करी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स, टोटल स्फेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसके अंदर ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फेयर्स, ये बॉडी सेंटर की बात कर रहा है, तो बॉडी सेंटर के अंदर कितने स्फेयर्स आते हैं? 2 आते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फेयर्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है? 100% इनटू 100, हाँ, परसेंटेज। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। अच्छा, एफसीसी में 4 आते हैं, तो अगर एफसीसी लिखा हो तो इस क्वेश्चन में फेस सेंटर, तो उसके अंदर 4 होते ऊपर, बाकी सब सेम। अगर ये होता प्रिमिटिव तो उसमें 1 आता है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में कितने सेल्स आते हैं वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रू, यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। पैरामैग्नेट इज वीकली अट्रैक्टेड, यस, या वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, डायमैग्नेटिक रिपेल होते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे लूज मैग्नेटिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डी रॉन्ग है, लूज नहीं करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज तो होंगे तभी तो वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर डी इज रॉन्ग। क्लियर है भाई? सारे डी करेक्ट ही नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म कैसे होगा? उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है ना, वो उनके एक्सटर्नल उसकी वजह से थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स बॉडी सेंटर वेरिएशन, अगेन ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इज वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका रीजन हमें बहुत ही डिटेल वाला टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए हमें पूरा का पूरा चार्ट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा होगा क्यूबिक में हो सकता है बॉडी सेंटर, हेक्सागनल में, टेट्रागोनल में हो सकता है, ऑर्थोरॉम्बिक में हो सकता है, हेक्सागनल में नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। पर इसको मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार क्योंकि इसको बहुत लर्निंग पार्ट चाहिए ये टॉपिक। अच्छा, 1 मोलल KCl रेफर्स टू 1 मोल ऑफ KCl डिसॉल्वड इन, 1 मोलालिटी, 1 मोल अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। तो आंसर शुड बी ए, इजी क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। वांटा फैक्टर इज नॉट कैलकुलेटेड, वांटा फैक्टर के 3 फॉर्मूला थे, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल सही है, ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड सही है, टोटल मोल्स आफ्टर अपॉन बिफोर सही है, टोटल मोल्स बिफोर आफ्टर नहीं है, ठीक है, नहीं, आफ्टर अपॉन बिफोर, तो आंसर डी इज रॉन्ग, ठीक है। रैंडोल्फ का फॉर्मूला, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्यूशन का, ठीक है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ गया होगा सीयूटी पे, सॉरी, बस अब तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लेने, क्योंकि एक पेपर देख के थोड़ी कुछ होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द गिवन सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन, सॉल्युबिलिटी गैस किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? तो हेनरीज लॉ को सोचो, तो ये होता था ना पी इज इक्वल टू काय, जिसको हम इक्वल कर देते थे के एच एक्स, है ना, तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है एक्स, ये क्या है सॉल्युबिलिटी, तो अब ये किस किस पे डिपेंड करेंगे? एक तो प्रेशर पे डिपेंड करेंगे, पहला तो कहीं सही है प्रेशर, दूसरा सॉल्वेंट के नेचर पे यस डिपेंड करेगी कि वो उसको डिसॉल्व करता भी है कि नहीं, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे करती है, पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट पे तो नहीं करेगी। तो 1, 2 एंड 3 ऐसा कुछ है, 1, 2 एंड, हाँ, 1, 2 एंड 4, 3 को छोड़ करना, तो आंसर शुड बी
सी, क्लियर है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 7. वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो या कम? कम हो, क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आंसर विल बी सिंपल बी. ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CaCl2 कैसे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? इसके अंदर जो ए की वैल्यू होती है, याद है, इसे हम डी बाय हकलॉन सागर इक्वेशन बोलते थे. ये होता था ना, अगर हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऐसे इंक्रीज करती थी और वीक की ऐसे. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन थी, वाई इज इक्वल टू सी माइनस या सी प्लस एम एक्स, जिसमें एम जो होता था वो स्लोप होती थी, वो ए को रिप्रेजेंट करता था. याद आ रहा है ऐसा कुछ? ठीक है, तो ये जो ए है, ए की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इनकी वैलेंसी से देखा जाता है. कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और इसकी सीएल की 1, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ 2:1 इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अगर सपोज मैं बोलूं एम जी SO4, ये कैसे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? Mg की 2 और SO4 की भी 2, तो Mg SO4 की 2:2 इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. जिंक, अच्छा ये तुमने लोन से याद कराया था. ठीक है, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो लेफ्ट इज जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट है जिंक, है ना, तो जिंक पे सब कुछ हो रहा है, जिंक लेफ्ट में रखेंगे, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होगा और ये नेगेटिव होगा, तो कह रहे जिंक पे रिडक्शन है, नो, गलत. कॉपर इज रिडक्शन, ये बात सच है. जिंक इज ऑक्सीडेशन, ये बात सच है. ठीक है, स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, नहीं, कॉपर की पॉजिटिव होती है, जिंक की नेगेटिव होती है, ये भी हमने पढ़ा DNF लॉ में. तो एक्चुअली हमें आंसर तो यहीं पे मिल ही चुका है, तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं. बी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसेंट्रेशन से रेट पे फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? ऑर्डर जो है कंसेंट्रेशन की पावर बनती है. ठीक है, प्रेशर से, यस, गैस हो तो प्रेशर पे इफेक्ट करता है, पर अगर कोई सॉलिड लिक्विड लिक्विड स्टेट है तो प्रेशर पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ गैस स्टेट पे पड़ता है प्रेशर का इफेक्ट, तो प्रेशर हट गया. टेम्परेचर से रेट पे पड़ता है, और कैटलिस्ट से ही पड़ता है, 1, 3, and 4, तो आंसर शुड बी सी. क्लियर है? द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन के इज इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर बताना है. अगर हमें रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट दे रखी है, तो ये यूनिट के लिए एक फॉर्मूला बता रखा है तुम्हें, यूनिट से ही निकलेगा, मोल, वन माइनस ऑर्डर, ये था लीटर, ऑर्डर माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स, ये था ना, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा, तो वन माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू टू, वन माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू, तो ऑर्डर इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे शायद ऑर्डर माइनस वन था, है ना, मोल, अच्छा ठीक है, मोल की, लीटर की यूनिट देखना ना, हाँ ठीक है, मैंने लीटर की देखता हूँ, लीटर की क्या है, ऑर्डर माइनस वन, और यहाँ पे क्या रखा है, टू, तो ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री, थर्ड ऑर्डर. ठीक है, याद आ गया ये चीजें? ठीक है, अच्छा इनको मैच करना है, लिस्ट वन को विद लिस्ट टू, तो इंस्टेंटेनियस रेट, शॉर्ट इंटरवल टाइम. अच्छा एक और ले लेते हैं, क्योंकि बाई चांस कुछ और, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रेट लॉ, तो आई थिंक 1C और 2A आंसर नंबर सी, सी पर. ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट DR/dt, ठीक है, ठीक है, अब आगे की तुम एक बार 2 मिनट दे दो, तुम मैं करता रहूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं. ऑलराइट, सब्सटेंसेस एडेड टू कॉग्युलेट द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, ठीक है, तो एलम, एलम, तो ये हमारा है कोलॉइड्स इन सरफेस केमिस्ट्री, तो ये डिलीटेड पार्ट में से है, पर इंपॉर्टेंस ऑफ कोलॉइड में इजी पार्ट. ठीक है, ये भी कोलॉइड सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. तो अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस
अबव सीएमसी क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, तुम्हें पानी के अंदर तुमने सोप डाला, तो सोप जो होता है पानी के अंदर, पानी की बाल्टी जो रहती है वो रहती है थोड़ी देर तक ट्रांसपेरेंट, क्या रहती है, और सोप जैसे एकदम ज्यादा हो जाता है एकदम से वो ओपेक हो जाती है, बिल्कुल उसमें से कुछ दिखता नहीं है, ऐसा होता है। थोड़ा सा सोप डालो तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा ज्यादा सोप डालो तो पानी बिल्कुल ओपेक हो जाता है, उसमें से वाइट हो जाता है, उसमें दिखता नहीं है आपका, होता है ना। तो जैसे ही वो कंसेंट्रेशन आ जाती है जिसमें मिसेल बन जाए, मिसेल बनने पे वो पानी ओपेक हो जाता है। तो जो मिसेल है, मिसेल तुमने शायद टेंथ में पढ़ा होगा, सोप का एक्शन होता है, सोप का फॉर्मूला ऐसे, सोप जो होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है जैसे बोलते हैं मिसेल, ठीक है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी ये है कि टेंथ में भी डिलीट हो गया, ट्वेल्थ में भी डिलीट हो गया, अब तक तुम सोप को जान ही नहीं पाए, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, अब बिना सोप की जिंदगी बिताना या सीयूईटी में करा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि ये सोप बनाने के लिए या सोप बन के जो मिसेल होते हैं, एक एग्रीगेट होता है बनता है अबव क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, यानी मिसेल की एक मिनिमम कंसेंट्रेशन है जिसके अबव ये बनेगा। और टेम्परेचर होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच मिसेल्स आर नॉट फॉर्म, तो अबव क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव सीएमसी, आंसर शुड बी बी पार्ट, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो तुम इसका सोल्यूशन बना लो, क्योंकि सोल्यूशन पीडीएफ में नहीं है कि, या फिर वीडियो से देखना। तो नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट फिनोमेना विच टेक्स प्लेस व्हेन अ रिवर मीट्स सी, अगेन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हम देख रहे हैं जो सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सारे एक साथ आए हुए, जो उसके क्वेश्चन थे सॉलिड के वो एक साथ थे, तो ये ऑर्डर में आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, तो एक साथ ही चैप्टर के क्वेश्चन मिलने के चांसेस है तुम्हें। इनकरेक्ट फिनोमेना कौन सा है, तो होता क्या है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे गंगा मिलती है, गंगा किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से, तो एक डेल्टा बनता है, तो इसी तरीके से होता क्या है कि ये डेल्टा यानी कि यहाँ पर जो एक मीटिंग पॉइंट है वो बहुत बार ग्रो होता जाता है। तो ग्रो क्यों होता है डेल्टा, क्यों, क्योंकि एक रिवर पॉजिटिवली चार्ज होती है तो दूसरी रिवर नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हट जाता है, और इनकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो भी सारा कुछ वो कोलॉइड बन के डेल्टा में जाके इकट्ठा होता जाता है, तो इससे बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इन द प्रेजेंट इन द सी वाटर कोगुलेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन, सच है, ये दोनों मिलकर कोगुलेट हो जाते हैं, ये बात तो क्लियर है। सरफेस गेट्स रेज्ड, हाँ सरफेस उठ जाएगी जहां पे ये दोनों रिवर्स मीट करेंगे, ठीक है, अ डेल्टा इज फॉर्म्ड, ठीक है, और सी वाटर गेट्स चार्ज, ये गलत है क्योंकि सी वाटर चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज जो है हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों रिवर की बात हो रही है, ये तो मैंने दो रिवर्स की बात करी ना, और ये रिवर और सी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर कोगुलेट, ठीक है, सी वाटर डज नॉट गेट चार्ज, ये आंसर गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। ये दो रिवर्स का बात किया है, पर यही सेम प्रिंसिपल किस पे लगता है, जब रिवर सी से मीट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट, ये है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, अगेन डिलीटेड टॉपिक, डिलीटेड टॉपिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेंगे हमारे, सबसे पहले हम उसी को कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो तुम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हें आइडिया नहीं है, पीछे वाले तो फिर भी रिवाइज कर लोगे, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिना फ्रॉम रॉक्साइड इवॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड एलुमिना, एलुमिना होता है Al2O3.XH2O, ठीक है, ये एक ओर है, ओर माने जिससे हम मेटल निकालते हैं, ठीक है, एलुमिना का। अच्छा, इसके अंदर हमें कहना है कि कौन कौन से प्रोसेस किस किस ऑर्डर में लगते हैं, तो सबसे पहले एलुमिना को हम वो कह रहे हैं क्या करते हैं, यूज करें उसको, लीचिंग करें या उसको न्यूट्रलाइज करें, तो इस प्रोसेस में हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस किस ऑर्डर में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम हीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलुमिना करेंगे, फिर लीचिंग करेंगे, लीचिंग में हम उसे डिसॉल्व करते हैं इन NaCN या KCN के सॉल्यूशन पे और उसको निकालते हैं न्यूट्रलाइजेशन, तो लीचिंग के बाद हमेशा न्यूट्रलाइजेशन आएगा और न्यूट्रलाइजेशन के बाद प्रेसिपिटेशन,
तो सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट ऑर्डर में और फर्स्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले ये तुम्हें पढ़ने के बाद ही समझ आएगा, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा। तो हीटिंग, फिर लीचिंग, फिर न्यूट्रलाइजेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, हीटिंग, वन टू थ्री फोर थोड़ी हुआ, फिर वन हीटिंग, फिर न्यूट्रलाइजेशन, नहीं लीचिंग के बाद न्यूट्रलाइजेशन, तो दैट शुड बी थर्ड देन सेकेंड, थर्ड सेकेंड फोर्थ, हाँ ये सी, ठीक है। तो हमेशा लीचिंग के बाद CO2 डालते हैं, तो ये मेरा हिंट था जिससे तो मैंने देखा थर्ड या सेकेंड कौन से ऑप्शन में, थर्ड के साथ सेकेंड ये भी है, ठीक है। और पर ये करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि पहले CO ये निकलेगा और इसमें से वाटर को हटाना है, तो वाटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हीट, ठीक है। पहले प्रेसिपिटेट होगा और फिर हीट करेंगे। नेक्स्ट O3 का एस्टिमेशन, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक डिलीटेड, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, पी ब्लॉक तो बहुत ही गंदा चैप्टर है ना। और सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं O3 के एस्टिमेशन, अभी मैं इसको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, जब पी ब्लॉक करेंगे तब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्साइड नाइट्रेट विच डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, कौन सा ऑक्साइड और नाइट्रेट हमें ऑक्सीजन गैस नहीं देता, वो ये कह रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड्स देते हैं, लेड ऑक्साइड देते हैं, मरकरी ऑक्साइड भी देता है, अमोनियम नाइट्रेट और अब आ जाता है लेड नाइट्रेट पे कहाँ है, तो लेड नाइट्रेट देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, हाँ ये टेंथ की रिएक्शन है, ये भी देता है, तो बचा अमोनियम नाइट्रेट, तो एलिमिनेशन करना पड़ता है कभी कभी, तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू एजेंट एंड क्लोरीन, ये भी पी ब्लॉक का था तो पी ब्लॉक में देखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो तुम्हें डी ब्लॉक में ये याद है ना कि एनहाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाँ इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी काम आएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें फैक्टर्स काम आते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लार्जर कोवलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज, वो कह रहे हैं कोवलेंट रेडियस क्लोरीन बड़ा है इसलिए, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो तो नहीं है फ्लोरीन की, ये तो बिल्कुल ही गलत है, हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटे आयंस की हाइड्रेशन ज्यादा होती है, ये बात सच है, और लो एंथैल्पी ऑफ एफएफ डिसोसिएशन, ये बात भी सच है, नहीं एफ का बॉन्ड एफ से जल्दी टूटता है एज कम्पेयर टू सी एल का सी एल से, क्योंकि एफ और एफ बहुत छोटे होते हैं और इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर टू भी सही है, थ्री भी सही है, अब ये तो क्वेश्चन नहीं डिस्प्यूटेड है, पर अगर मैं हाइड्रेशन को इग्नोर करूँ तो आंसर शुड हैव बीन सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हाइड्रेशन तो एक बेसिक पैरामीटर है, पर इसके अंदर लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन विल बी वन पॉइंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी, ठीक है। नेक्स्ट 20, अच्छा ये थोड़ा ऑप्शंस दे रखी थी, दैट मीन्स इनमें से दो ऑप्शन सही हो सकते, तो हमें एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शंस दे रखी थी और मैंने बोला था दो ऑप्शन सही हैं इसमें से, और वो थी सेकंड और थर्ड, तो आंसर हो गया बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है पॉलीमर्स, ठीक है, और पॉलीमर्स में ये वाले क्वेश्चन तो रह गए हमारे, ये तो किसी और का क्वेश्चन है, वही होगा उसका ऑप्शन 19 सेकेंड, ठीक है ये भी ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू स्मॉल साइज, एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो कह रहे हैं पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, पेंटाहेलाइड का एग्जाम्पल है PCl5, क्या एग्जाम्पल है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी भी सिखाऊंगा, PCl5 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ट्राइगोनल बायोपिरामिडल होने की वजह से sp3d, क्या होती है sp3d, और sp3d नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड हमने किया था क्योंकि इसके पास absence of d orbital है, क्योंकि इसके शेल का साइज जो है वो छोटा है, ये सिर्फ 2s और 2p होता है, इसके पास 3d नहीं होता, ठीक है। इन दोनों में से ये क्या है जिनके अंदर आयंस चेंज हो रहे हैं, काउंटर आयंस,
हो आयनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि इन दोनों के आयनिक प्रोडक्ट्स क्या है, डिफरेंट। ये AGBR टेस्ट, AGBR बनाएगा टेस्ट में, AgNO3 टेस्ट देगा, और ये BaCl2 टेस्ट देगा, BaSO4 बनाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन लिंकेज के लिए होता है जब एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंटेड नहीं है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन के लिए होता है कटायन अनायन होना चाहिए, कटायन अनायन दोनों ही क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए थे, ठीक है। आयनाइजेशन में काउंटर आयन एक लिगेंड होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तुम जानते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई दी विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो A2BB2 सिस और ट्रांस दिखाता है, दिखाता है, A2BB2 दिखाता है, ठीक है। अच्छा, और वैसे ये आंसर तो हमें यहीं पे सिस ट्रांस भी दिखाएगा ना, देखो ये CO ऐसे बनाए तो हुए थे इसके, ये ट्रांस है और फिर दो साथ होकर सिस आ जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें A3B नहीं दिखाता, A5B नहीं दिखाएगा, और A5B, A6B, A6 तो दिखाएगा ही नहीं। करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमेशा सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी होता है, तो न्यूट्रल वाला अंदर हो गया, बाकी बचे 3 आयन, कितने हुए टोटल, क्या आएगा इसका आंसर, 4। क्यों? क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्स खुद होगा और 3 आयन, तो आंसर वुड बी 4। क्योंकि जब हमें दिमाग में पहला आंसर 3 दिमाग में आता है और सामने 3 लिखा होता है तो टिक भी वही होता है, तो थोड़ा 2 मिनट शांति से सोचना है, क्योंकि वो ऑप्शन गलत वाली तुम्हारे दिमाग में जो आ रही है वो वहां पे होगी, पर तुम्हें उस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल ऑफ द फॉलोइंग, हाउ वुड यू टू आइडेंटिफाई, हाँ, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट, हमने पढ़ा है जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अंदर डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन कंपेयर टू मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट वाले लिगेंड्स। अच्छा, SN1 में कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, आयोडाइड सबसे हाई, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन चाहे SN1 हो या चाहे SN2, ठीक है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल, यानी हमें एल्काइल क्लोराइड बनाना है, यानी हेलो एल्केन बनाना है फ्रॉम एल्कोहल, कौन सा मेथड है, लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस AlCl3 नहीं, ZnCl2 और HCl, ठीक है, ZnCl2 विल बी द आंसर। अ कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एन अल्कोहल, करके दिखाऊं इसकी रिएक्शन या समझ आ गई, दैट मींस ये वाली रिएक्शन, ROH से HCl, उसने बोला दे ही रहा हूं मैं, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl, लुकास रिएजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का भी टेस्ट होता है, प्राइमरी डू नॉट गिव टर्बिडिटी, सेकेंडरी टर्बिडिटी देते हैं बट आफ्टर सम टाइम, है ना, और टर्शियरी विल गिव टर्बिडिटी एक ही बार, ठीक है। वन क्लोरोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल पोटेशियम अल्कोहल, यानी अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम यानी KOH आ रहा है दिमाग में, और अल्कोहलिक तो क्या आंसर होगा, ब्यूट वन इन या ब्यूट टू इन, वन इन, वन पे है ना क्लोरो, टू पे होता तो टू पे ही मिलता यूजिंग साइड्स ऑफ फ्लू, पर वो वन पे है तो एक ही ऑप्शन है, इधर का है इधर का सीएल, ब्यूट वन इन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों में, अभी तुम्हें पता है तुम एक्साइटेशन में कुछ भी बोल देते हो, पर एक अब आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, तुम्हें आते हुए क्वेश्चन भी तुम गलत कर रहे हो तो फिर आगे पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक है। जो आता है वो तो कम से कम हम पेशेंस से करें। Esters are not formed when alcohols react with. Esterification की कितनी reactions? 3. Alcohol plus acid, alcohol plus acid chlorides, alcohol plus acidic anhydride. 3 थे ना? इनमें से एक नहीं है, वो कौन सा है? Alkenes. ठीक है, याद आया? थोड़ा सा दिमाग को सही जगह पे डालना है बस. याद तुम्हारे दिमाग में सब कुछ है, उसको अनलॉक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ इथॉक्सीबेंजीन, नहीं इससे पहले फिजिकल कर चुके हैं, जो डिलीटेड टॉपिक थे वो भी देखे थे हमने। अच्छा, अभी करेंगे, पहले डिलीटेड चैप्टर से करेंगे, पर उससे जब तक मैं वो डिलीटेड वाला कराऊंगा तुम्हें वो वाला रिवाइज करना है घर पे, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है।
हिथॉक्सीबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग, ये पता लगाओ और आंसर दो। हेलो कैसा है, ए और बी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है क्या? ऐसे ऐसे ब्लैंक बोल रहा हूं तुम। ए और बी में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? ए। तो ऑर्थो पैरा या मेटा? ऑर्थो पैरा, यानी कि किस पे आएगा? ऑर्थो यानी टू और पैरा माने फोर, तो मिक्सचर ऑफ टू एंड फोर। इजी है ना, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। अ टर्शियरी अल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम सोचो। तुम्हारा प्रोपेन हाँ, मीथेनल यानी मीथेनल एंड इग्नाट 1 डिग्री, एनी अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी, कीटोन टर्ज। बस याद आया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के मेथड अल्कोहल के रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा बेसिक करेक्टर बढ़ाएगा? सोच लो, डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? हाँ, क्योंकि देखो डोनेटिंग ग्रुप मेक लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, विड्रॉइंग ग्रुप मेक इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो मिथाइल ग्रुप वाला जो होगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज शोन बाय, रिएक्टेंट क्या होता है? अमाइड, नाम में लिखा है अमाइड है ना, आंसर इज डी अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट, पीकेबी वैल्यूज गिवन है, मिथाइलामीन्स इथाइलामीन्स, पीकेबी कम तो बेसिक करेक्टर पूछा है ज्यादा, तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन हुआ जिसका 3 है 3 यानी एनिथाइल इथेनम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस अगर तुमने कोर्स को अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये पिछले साल का पेपर है, इसको भी तो फुल ला सकते थे अगर तुम बोर्ड से अगले दिन देते हैं इस पेपर को। नहीं, नेक्स्ट, अ टिपिकल, अब बस बात यह है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे टॉपिक्स करने हैं और डिलीटेड वाले करने हैं, बस ये प्रॉब्लम। ठीक है, अ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 2 न्यूक्लियोटाइड जॉइंट टुगेदर बाय, वेरी गुड, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है डीएनए में। अच्छा, विटामिन हूज डेफिशिएंसी कॉजेस आरबीसीज का मेन प्रॉब्लम? के, क्योंकि क्लॉटिंग वगैरह किसमें होता है? क्लॉटिंग के लिए के। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड लिंकेज? COH और NH2 के बीच में बनेगा, तो पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब पॉलीमर्स तुमने किया नहीं है तो ये मैं बता देता हूँ, ये है कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि अमीन और जैसे पेप्टाइड लिंकेज बन रही है ना, अमाइड बनते हैं जो, तो वो होता है कंडेंसेशन। ये भी हम करेंगे पॉलीमर्स, काम तो यही है, डिलीटेड टॉपिक पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन ये सारे फिर उसी के ही होंगे, वो क्या कह रहा है कि इनमें से 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक तो कंडेंसेशन पॉलीमर, और क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये होमोपॉलीमर हुआ या हेट्रोपॉलीमर? ये तो तुमने बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ा था, हेट्रोपॉलीमर हुआ, तो होमोपॉलीमर नहीं है। कंडेंस तो हेट्रोपॉलीमर का नाम होता है कोपॉलीमर, यानी 2 अलग अलग मिलके जुड़े, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन सही हो गए, 2nd और 4th, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2nd और 4th, तो ऑप्शन डी, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? तो नाइलॉन 6 का होता है कैप्रोलैक्टम, टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरोएथेन, नियोप्रीन का होता है, नेचुरल रबर का होता है आइसोप्रीन, और नियोप्रीन का ये, हाँ 10 छोड़ सकते हैं, तो 1 चैप्टर तुम छोड़ दोगे या 2 चैप्टर छोड़ दोगे? हाँ, तो वो ये भी कर सकते हो तुम, पर होता ही है ना, अगर तुम वो 2 चैप्टर कर लो तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये होती है कि जो चैप्टर तुमने किए उनमें से भी तो कुछ नहीं आते होंगे, और तुम इजी पार्ट तो सबका करके जाओ, जैसे ये चैप्टर पॉलीमर्स मतलब वो बहुत इजी चैप्टर है, तो तुम्हें ये 2 दिन 2 क्लासेस में ये चैप्टर हो जाता है, तो तुम्हें ऐसे चैप्टर छोड़ने की बजाय जो टफ क्वेश्चन आएंगे एल्डिहाइड कीटोन के, जो उस समय पर दिमाग नहीं चलता, वो 10 क्वेश्चंस को वहां पे यूज करो तो एडवांटेज मिलेगा ना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, हम क्या कर रहे थे? नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसका आंसर है 1 को C से मैच कर लो, तो 1 को C से एक ही ऑप्शन है B। ठीक है, अच्छा, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एक बार जरा देखें। हेलो,
तो यहाँ पे हमें कंटेंट थ्योरी दे रखी है केस बेस्ड टाइप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय कंजिशनमेंट. नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सारे मेटल्स होते ही हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो टेंथ का बच्चा भी कर लेता. नेक्स्ट, अच्छा, मेटल फ्रॉम विच द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज विच इज लीस्ट रिएक्टिव. इसका ऑप्शन हो सकता है ऊपर भी मिल जाए हमें, ठीक है. लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? आयरन, निकल, क्रोमियम, कॉपर. कॉपर, ई नॉट वैल्यू इसकी क्या होती है? पॉजिटिव. तो वो ये एसिड्स के साथ भी कम रिएक्ट करता है और बाकी सबसे भी रिएक्ट कम करता है, ठीक है. इन डाइक्रोमेट ऑल सी आर ओ बॉन्ड्स आर देयर, सेम लेंथ के होंगे या कहीं डबल बॉन्ड्स हैं या कुछ है? डबल बॉन्ड होते हैं, तो फिर क्या वो रेजोनेंस में आते हैं? ये भी देखना पड़ेगा. इसमें बनाया नहीं है, टू माइनस लिया होता है. सी आर ओ फोर टू माइनस बनाया ना इन्होंने, इसमें दो होता है. हाँ, दो डबल बॉन्ड भी होते हैं. तो बॉन्ड लेंथ देख लो ना, दिख तो रही डायग्राम में. एक क्या है 163 और दूसरा क्या है 179. तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है. हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये कहां पे थे हम? हाँ, इसमें से कौन सा है? ऑल सी आर ओ बॉन्ड इज सेम लेंथ, रॉन्ग. फोर सी ओ बॉन्ड हैव सेम लेंथ. फोर तो हो सकते हैं सेम, ठीक है. ऑल चार का तो सेम होगा. ऑल सी आर ओ बॉन्ड हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, नहीं. टू बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ एंड अदर सिक्स हैव अनदर लेंथ. तो एक दो तीन, एक दो तीन, सही है. ये तीन तीन सेम होंगे, ठीक है, और ये दो अलग होंगे. हाँ, सही तो बोल रहा है. दो के सेम होंगे, दो वो दो बॉन्ड के सेम होंगे, बट अदर सिक्स हैव अनदर. अनदर माने बाकी छह की एक होंगी. मतलब टू सी आर ओ बॉन्ड हैव सेम लेंथ. वो दो तो सेम है जो बीच वाले हैं, ओ वाले ब्रिज वाले, ये वाले, इन दोनों की ब्रिज की सेम है. अच्छा, ये दोनों सेम हो गए और ये बाकी छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह अलग है. छेगी होगी, ठीक है. नेक्स्ट, आयन फ्रॉम हूज एक्व सोल्यूशन विल नॉट बी कलर्ड. किसका एक्व सोल्यूशन कलर्ड नहीं होगा? SC3 D0 और D10 के नहीं होंगे. तो ये D0 है, याद आया, ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 2.84. अब इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. अंडर रूट्स एन इन टू एन प्लस टू, ये है ना हमारा फॉर्मूला. तो अब क्या है ना, तुम इसके अंदर याद क्या रखो, अगर ये वन होता तो यहाँ पे क्या आता, थ्री. अंडर रूट थ्री कितना होता है? 1.73. अंडर रूट फोर क्या होगा? तो वो तो टू होगा, ठीक है. अंडर रूट फाइव क्या, अच्छा वन फोर तो बनेगा ही, टू यहाँ पे टू डलता तो टू इंटू टू प्लस टू, फोर इंटू टू एट आएगा. तो अंडर रूट क्या आता, एट. अंडर रूट एट विल बी फोर, बाहर आएगा तो फोर, सॉरी टू रूट टू क्या हो गया, टू रूट टू इंटू 1.7 विल बी 3. समथिंग. कैसे निकाला वही तो पूछ रहा हूँ. दो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? टू इंटू टू प्लस टू. तो बहुत इजी मेथड है इसका, तो कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे अगले वाला नंबर ले लो, तीन है तो 3.75 अप्रोक्सीमेटली.
हाँ ये भी सही है क्योंकि टू से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा क्योंकि वन वन होता तो थ्री आता है ना, तो नहीं टू आता, 1.414 आता, 1.41 मतलब वन से ऊपर ही आता है। हाँ अंडर रूट टू ये है ना 1.4, तो ये आ गया 2.8, तो सही है। तो टू इसका आंसर विल बी जिसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो शक्ति विकर्मन, तो SCTI विल बी दी आंसर। ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स कैन नॉट कैन अंडरगो कैनिज़ारो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो दिखाता है कैनिज़ारो, तो बेंजल्डिहाइड दिखाता है कैनिज़ारो, ये तो हमें याद ही है। ठीक है द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग, एसिडिक में विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए डोनेटिंग, विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग में फ्लोरिन ज्यादा है या क्लोरिन, फ्लोरिन ज्यादा, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म बाय हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइल, हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन होती है हमारी इथाइन, इथाइन में पानी डालना है और इनॉल टॉटोमेरिज्म करना है, प्रोपेनॉन बनेगा आई थिंक, इथाइलिन सी इथेनल बनेगा, सी एच में पानी डाला है कि नहीं डाला, एच प्लस एच जी टू प्लस की प्रेजेंस में, एक साइड एच एक साइड ओ एच, इनॉल बनेगा टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके वो बनाएगा इथेनल सी एच थ्री सी एच ओ सी फोर, याद आया थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन विद साइक्लो विद हाइड्रोक्साइलमीन, यानी कि ये बोल रहा है वो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एक हाँ एन डबल बॉन्ड ओ एच ऑक्साइम बनेगा ना, सिंपल सी बात है, तो आंसर इज सी। ठीक है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके, पीके ए कम होगा तो ज्यादा एसिटिक है, तो सबसे ज्यादा एसिटिक जो है उसका पीके कम होगा, कौन सा इसमें से सबसे सबसे कम एसिडिक का पीके सबसे ज्यादा, तो सबसे जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगाओ ये होगा, और सबसे कम तो ये होगा, इसमें तो एसिड नहीं है, ठीक है सी ओ एच ही नहीं है, तो ये सबसे कम एसिडिक, तो इसका पीके सबसे ज्यादा, तो वन सबसे एंड में आना चाहिए, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है समझ आया, देखो चैप्टर ये सीवीटी का पेपर बहुत इजी है, उस हिसाब से अगर तुमने जो टॉपिक कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे पास हो और तुम प्रैक्टिस करो तो ठीक है। अब बात आती है डिलीटेड टॉपिक की, और डिलीटेड टॉपिक हम